नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुशाला पे। ठीक है, तो जो ये आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूपी स्पेशल का जो क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं टॉपिक वाइज में आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर्स में या जो भी बन सकते हैं आने वाले एग्ज़ामों में, ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैं इसमें आपको कराऊँगा। ठीक है ना, तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड तथा हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, मतलब तीनों के साथ सीमा बनाता है, उत्तराखंड हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ। ठीक है, तो आपका कौन सा है, ये सी सहारनपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये तो आप नॉर्मल जनरल क्वेश्चन है, कोई बता सकता है। तो सबसे बड़ा है राजस्थान, ठीक है ना, उसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे है, जब से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है तब से चौथे स्थान पे आ गया है। ठीक है ना, अदरवाइज़ फिफ्थ पोजीशन पे था जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग नहीं हुआ था 2014 से पहले। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, लखनऊ की सीमा किससे स्पर्श नहीं करती। तो किससे स्पर्श नहीं करती लखनऊ की सीमा आपकी, ऑप्शन सी बलिया से स्पर्श नहीं करती। ठीक है ना, तो आप इसके लिए एक मैप अपने साथ रखें, ठीक है, तो उससे काफ़ी मदद होगी, या फिर मैं करा रहा हूँ तो उससे कोई इतना वो नहीं है, देख लीजिए आपको जैसा सही लगे वैसा ठीक कर लीजिए। ठीक है ना, पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक, क्वेश्चन नंबर फोर, पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। तो कौन सी निर्धारित करती है, यमुना, ऑप्शन ऑप्शन आपका है डी। ठीक है, यमुना निर्धारित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, ऑप्शन बी कंकरीली एवं पथरीली। क्वेश्चन नंबर सिक्स, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। तो किस जिले में होती है आपकी, ऑप्शन डी मथुरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताइए। तो क्या है सही क्रम इसका, सही क्रम है इसका सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट, निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटताक्रम है। तो कौन सा घटता क्रम है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से, पहले नंबर पे आता है वाराणसी सबसे बड़ा, गौतम बुद्ध नगर, फिर बागपत, फिर भदोही। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है आपकी, गोरखपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टेन, निम्न में से कौन सा क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है। तो क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से कौन सा सही है आपका, ऑप्शन सी। कौन सा सही है, ऑप्शन सी, कौन सा, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, कौन स्पर्श करती है, चार राज्यों की सीमाएं। ठीक है, चार राज्यों की सीमा से सीमाएं स्पर्श करती हैं सोनभद्र जिले को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। ठीक है, तो ये है आपका कौन सा कल्प है, कौन सा कल्प है जो आद्य
आद्यकल्प, सॉरी कौन सा क्षेत्र है जो आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? यह है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। कौन सा है? बुंदेलखंड। निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? तो किससे नहीं लगती? तो आपका जो पंजाब है उससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो गया आपका बी हो गया। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है आपका? तो आप बताइए, तराई क्षेत्र, ठीक है। तराई क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, क्यों? क्योंकि यह बिल्कुल ही पहाड़ों से सटा हुआ है, ठीक है ना। जिससे जो भी भाप बन के बादल बन के आते हैं तो वहाँ से पहाड़ों से टकरा कर वो वहीं पे बरस जाते हैं, इसलिए उस क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होती है। इसका नाम से ही पता चलता है कि तराई है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा गीला या फिर जहाँ जहाँ पे ज़्यादा नमी वाला क्षेत्र रहता है, ठीक है ना। तराई। निम्न में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, तो कौन सा जिला है आपका सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, बताइए। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लखीमपुर खीरी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, ठीक है, ऑप्शन डी। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान है, तो कौन सा स्थान है? अभी मैंने बताया आपको चतुर्थ स्थान, ठीक है। जब ये क्वेश्चन आया था उस टाइम पे पंचम स्थान होगा, बट अभी जो है चतुर्थ स्थान है, तो ऑप्शन बी कौन सा है हमारा, ऑप्शन बी। निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? तो किसको नहीं करती आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श? बस्ती को नहीं करती, ठीक है ना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न जिलों में से क्षेत्रफल में सबसे छोटा, तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है आपका? वाराणसी, ठीक है, ऑप्शन ए। 19वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है, तो कितना परसेंट क्षेत्रफल ऑक्यूपाई करता है उत्तर प्रदेश कुल देश का? तो हमारे देश का 7.3% जो है क्षेत्रफल घेरता है उत्तर प्रदेश कुल, ठीक है, ऑप्शन डी। निम्न में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? तो किससे मिलती हैं उत्तर प्रदेश की सीमाएं? ये सभी आप जानते ही हैं, नेपाल, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। तो आज ये 20 क्वेश्चन का कंपाइलेशन था मैं लेके आया था जो, ठीक है। तो इससे जो एक टॉपिक है उससे ही रिलेटेड है, भारत भू संरचना एवं जलवायु से रिलेटेड था ये, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा, उसमें भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, पर टॉपिक टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।